बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास पाक स्टडी 2022 का गेस्ट पेपर करना है, एमसीक्यूज का। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूँ, यही एमसीक्यूज आगे आपको जब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और उसका रिटर्न टेस्ट देंगे तो यही एमसीक्यूज हैं पाक स्टडी के, जो आपको रिपीट होंगे। अगर आपने 9th और 10th की पाक स्टडी की बुक अच्छे तरीके से की है तो इंशाल्लाह जब तक आप पढ़ाया जो है अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे, यही चीज़ें आपको बार बार आती रहेंगी। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, 10 नंबर का जो है पाक स्टडी के हवाले से एमसीक्यूज आते हैं, तो इसी में से आपके क्लियर हो जाएंगे। 9th 10th आपकी बेस होती है, अगर आपकी बेस अच्छी बनी होगी तो इंशाल्लाह जो है कि आप आगे भी कामयाब होते रहेंगे। तो यही एमसीक्यूज हैं, आपको इनको भी अच्छे तरीके से कर लिए आप दिएगा आपके पेपर के हवाले से भी और गवर्नमेंट जॉब के रिटर्न टेस्ट के हवाले से भी। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का अहदा संभाला जुल्फकार अली भुट्टो ने। यहाँ पे चार ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है जो दुरुस्त है। पेपर में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। नंबर दो पे है, योम तकबीर मनाया जाता है 28 मई को। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 28 मई 1998 में, चागी के जो है पहाड़ों में ये धमाके किए थे। इंतहा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। वायसर लॉर्ड पन ने एक एक्ट के जरिए मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया 1884 में। पाँच पे है, मुल्क भर के बैंकों में मुसलमान खातेदारों से ज़कात काटी जाती है 2.5%। नंबर छः पे है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या पेश आया 2001 न्यूयॉर्क अमेरिका में, ये वाक़या पेश आया। इंतहा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है। नंबर सात पे है, ज़िला कौंसिल का 33% हिस्सा मखसूस होता है ख़वातीन के लिए। उसके बाद नंबर आठ पे है, कौमी असम्बली के अरकान की तादाद है। ये अभी जो पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल 2022 में जो एक पेपर हुआ था कॉन्स्टेबल की असामी के लिए, तो ये एमसीक्यूज उस पेपर में आया हुआ था। तो इसी तरह के जो है कि एमसीक्यूज पेपर्स में आ जाते हैं अगर आपके 9th 10th के पाक स्टडी के जो है कि आपने अच्छे तरीके से की हो तो। नंबर नौ पे है, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने 1993 में किस 5 साल मनसूबे का आगाज़ किया 8वां। नंबर 10 पे है, मियाँ नवाज शरीफ ने मोटरवे की तकमील पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया 1998 में। 11 पे है, 1958 में किस ने पाकिस्तान का इकतदार संभाला, जनरल अयूब खान ने। 12 पे है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिफारती तालुकात की इब्तदा हुई 1948 में। 13 पे है, 1979 में किस मुल्क ने अफगानिस्तान में अपनी फौज दाखिल की, रूस ने। और 14 पे है, अक्वामे मुत्तहदा का सबसे बड़ा इदारा कौन सा है, जनरल असम्बली का। उसके बाद जो है कि नंबर 15 पर चलते हैं, अवामी जमहूरिया चीन का क्याम अमल में आया 1949 में। 16 में है, माशी व माशरती कौंसिल के अरकान की तादाद है 54। 17 पे है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम का पहला इजलास 1969 में किस शहर में मुनक्किद हुआ, रबात में। नंबर 18 पे है, 24 अक्टूबर 1945 को किस इदारे के क्याम अमल में आया, अक्वामे मुत्तहदा का। 19 पे है, पाकिस्तान और भारत में शुमला माहिदा हुआ 1971 में। 20 पे, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात कायम हुए 1976 में। 21 पे है, 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में मुनक्किद हुई, तो ये पाकिस्तान में। नंबर 22 पे, शाहराह रेशम की लंबाई है 900 किलोमीटर। 23 पे है, सिंध ताज माहिदा कब हुआ, 1960 में ये हुआ। इंतहा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, पानी के हवाले से हुआ था। उसके बाद है नंबर 24 पे, पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है कराची। 25 पे है, ताजिकिस्तान का दाल हुकूमत है दोशंबे। उसके बाद नंबर 26 पे हम चलते हैं, माशी तरक्की से मुराद है कौमी आमदनी में इजाफा। पाकिस्तान में सनती तरक्की कारपोरेशन कायम हुआ 1952 में। पाकिस्तान मईशियत है तरक्की पुजीर, पाकिस्तान की जो मईशियत है वो तरक्की पुजीर है। पाकिस्तान में 5 साल मनसूबाबंदी का आगाज़ हुआ 1950। 30 पे है, पाकिस्तान में पहली खुशक गोदी 1973 में किस शहर में तामीर की गई थी, लाहौर में। 31 पे है, पाकिस्तान खाने का तेल अमरीका और श्रीलंका के अलावा किस मुल्क से दरामद करता है, इंतहा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, तो इसका जो है कि मलेशिया। नंबर 32 पे है, पाकिस्तान में पन बिजली की पैदावार का सबसे बड़ा मंसूबा है तरबीला डैम। 33 पे है, पाकिस्तान की मईशियत का सबसे बड़ा शोबा है ज़रात। 34 पे है, पाकिस्तान में कुदरती गैस दरियाफ्त हुई 1952 में। 35 पे है, 1947 में पाकिस्तान की आबादी थी 3.25 करोड़। उसके बाद नंबर 36 पे है, पाकिस्तान में कितने साल बाद मरदमशुमारी होती है, 10 साल के बाद। नंबर 37 पे है, बरसगीर पाक व हिंद में पहली मरदमशुमारी हुई 1881 में। 38 पे है, आला सानवी तालीम का कोर्स होता है 2 साल का।
नंबर 39 पे पाकिस्तान में शराब खुमांदगी है 60%। उस बार नंबर 40 पे है पाकिस्तान में देही इलाकों में लोग हैं 65%। 41 पे है उर्दू गज़ल का पहला दीवान मरतब किया सुल्तान कली कतब शाह। नंबर 42 पे है बलूचिस्तान के इलाके कलात और इसके इर्द गिर्द मुकामी जुबान बोली जाती है बरावी। नंबर 43 पे है पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का कितना बड़ा मुल्क है, छठा आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का छठवा 6वां नंबर है। 44 पे 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी है 132.3 मिलियन। नंबर 46 पे है पाकिस्तान कौमी असम्बली में अकलियतों के लिए नशस्तें हैं 10। 47 पे है कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता बराए अमन कौन है, मलाला यूसुफजई। 48 पे है ख्वातीन के तहफ्फुज़ के लिए GPS से मुंसलिक कौन सी चीज़ बनाई गई है, कड़ा। नंबर 49 पे है अदालत मुतासरा खातून की शिकायत को कितने यूम में निपटाती है, 90। 50 में है मुतासरा खवातीन की मदद के लिए यूनिवर्सल टाल फ्री नंबर कौन सा है, 10-43। पंजाब में तहफ़ नसवा एक्ट कब मंजूर किया गया, 24 फरवरी 2016 को। साइबर क्राइम से क्या मुराद है, मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए किए जाने वाले जुराम। और लास्ट में जो हमारे MCQs है, पाकिस्तान की पहली खातून पायलट शहनशाह लगारी है, ये इंतहा इंपॉर्टेंट MCQs है। तो आज की इस वीडियो में हमने MCQs किए हैं, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जो है कि MCQ सॉरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको MCQ को अच्छे तरीके से करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की मेरी वीडियो मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।